Like a Hellcat. नहीं होगा तो ठीक है, अभी चलता हूँ नेदर में जल्दी से। मतलब खतरनाक सा एक वाइब आ रहा है, जैसा कि मैं अभी नेदर में घुसते ही मर जाऊंगा। हाँ, मैं यहाँ पे कैसे आ गया? व्हाट, सीरियसली? ओ भाई, मेरा फुटेज करप्ट हो गया। अरे यार, रिकॉर्डर स्टॉप हो गया फिर से। पर कोई नहीं, उसके बाद मैं यहाँ पे नेदर में आया था। उसके बाद नेदर में आने के बाद सिर्फ मेरा पोर्टल जो है इसके पीछे की तरफ है, जो पहाड़ तुम लोगों को दिख रहा है सामने, उसके पीछे की तरफ ही है जो मेरा पोर्टल है। तो उसके मैं सिर्फ और सिर्फ सामने आया हूँ। अभी मैं वापस वहीं पे जाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यही हुआ था बस, और कुछ नहीं। तो अभी मुझे यहाँ से जो है निकल के अपने पोर्टल तक जो वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि मतलब इतना ढूंढने के बाद भी मुझे कोई फोर्ट्रेस मोर्ट्रेस कुछ मिला नहीं। ज़्यादा ढूंढना नहीं है, थोड़ा बहुत ही ढूंढना है। मेरा लेवल 23 था, उससे 25 हो चुका है। तो कोशिश करना है कि बिना मरे मैं वापस जा सकूं, क्योंकि अगर यहाँ पे मैं मरा तो मैं तो मेरा ओ नहीं नहीं चेंज हो। अरे यार हो गया नहीं, अभी भी नहीं हुआ। ओ भाई गया, मतलब मुँह की बात छीन लिया इसने तो, और मैं मर गया। क्या यार, हट ऐसे गए, मतलब कुछ भी। तो एक काम करता हूँ, रिस्पॉन कर लेता हूँ। और तुम लोग देख के चौंक गए होगे कि यहाँ पे बेड कहाँ से आ गया, है ना। अभी तुम लोग जाओ फ्लैशबैक में। तो तुम लोगों को याद ही होगा पिछले एपिसोड में मैं जो यहाँ पे थोड़ा बहुत एडवेंचर के लिए निकला था, और एक उल जो है वो लेके वापस भी आया था। तो ये उसी के बाद का जो है कंटिन्यूशन है। तो अभी मैं वहाँ से जो है फिर से मैं जा रहा हूँ थोड़ा बहुत उल इकट्ठा करने के लिए। और पर ये जो पूरा का पूरा जो फुटेज है इसको मैं काट दूंगा, सिंपली इसको मैं काट दूंगा। और ऐसा प्रिटेंड करूंगा कि भाई मैं तो सिंपली बिना बेड बनाए जो है नेदर में जा रहा हूँ, ऐसा प्रिटेंड करूंगा। और उसको जो है एक टू बी कंटिन्यूड में छोड़ दूंगा। ऐसा करना बहुत ही बुरी बात है, मुझे पता है, पर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैंने ऐसा किया। पर देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले तो मुझे अभी यहाँ से उल इकट्ठा करना पड़ेगा, मिनिमम 2 ब्लॉक जो है इकट्ठा करना पड़ेगा, नहीं तो मैं बेड नहीं बना पाऊँगा। तो और एक दूसरा एक और चीज़ है, वो भी उसके बारे में भी तुम लोगों से अभी बात करना है मुझे। और वो है कि मेरा जो मेन चैनल का जो मेन सीरीज़ है उसके बारे में। तो मेरा जो मेन सीरीज़ पहले था वो था 100 एपिसोड, जो कि मैंने कंप्लीट कर दिया। मैंने बोल दिया कि भाई ये तो एंड हो गया है। अब उसके बाद जो है मैंने एक और सीरीज़ जो है स्टार्ट किया, जिसका नाम दिया मैंने सर्वाइवल सीरीज़ #2। पर वो वाला जो सीरीज़ है, अनफॉर्चुनेटली वो वाला सीरीज़ का जो वर्ल्ड है वो मेरे से गलती से डिलीट हो गया, और मेरे पास उसका कोई बैकअप नहीं है। मेरे पास किसी भी वर्ल्ड का कोई भी बैकअप नहीं रहता है। तो वो अगर डिलीट हो जाए यहाँ पे, अगर मैं मर जाऊँ तो उससे जो है वो जो चेंज है वो परमानेंट हो जाता है। ऐसे ही मुझे खेलना पसंद आया था, बैकअप करके खेलने में मज़ा नहीं आता है। तो इसलिए मैं बैकअप नहीं करता हूँ, और गलती से वो मेरा वर्ल्ड जो है डिलीट हो गया। इसकी वजह से जो है मैं उसके वर्ल्ड, वो जो वर्ल्ड है उसमें मैं वापस नहीं जा सकता हूँ। तो इसका मतलब वो जो सीरीज़ है वो ना चाहते हुए भी अनफॉर्चुनेटली उसको जो है एंड करना पड़ेगा। और अभी बात करते हैं नया सीरीज़। मैं उसके जगह पे एक और सीरीज़ चाहता तो मैं स्टार्ट कर दे सकता था, पर मैंने ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया? तो तुम लोगों को पता होगा अभी रिसेंटली जो है 1.17 का माइनक्राफ्ट का अपडेट है वो आने वाला है। वो जो अपडेट आएगा वो जो है केव्स को जो है मैसिवली चेंज करेगा, मैसिवली मतलब एकदम मैसिवली। और अगर मैं जो पुराना वर्ल्ड है उसमें अगर मैं वो जो चेंजेस है वो लाना चाहूँ, तो मुझे जो है मेरा जो न्यू पुराना जनरेटेड चंक्स है उसको मुझे डिलीट करना पड़ेगा, या फिर नहीं तो वो जो चंक्स है उसके नीचे वाला जो लेयर है वो जो है वहाँ पे पूरा का पूरा बेडरॉक जनरेट हो जाएगा। और वो मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूँ, क्योंकि तुम लोग खुद ही सोचो ना, मैं थोड़ा बहुत माइनिंग करने निकला और जाते जाते एक बेडरॉक वाला वॉल जो है मेरे सामने आ गया, ऐसा कि लगेगा ना, है ना? इसलिए ये ख़राब लगेगा। इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई भी पुराना वर्ल्ड जो है मैं मुझे जो है नया वर्जन में अपग्रेड करना पड़े। तो ये सबसे बड़ा रीज़न है। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मेरा जो 100 एपिसोड वाला वर्ल्ड है उसको मैं थोड़े दिन के लिए फिर से कंटिन्यू करूँ, जब तक 1.17 जो है नहीं आता है। तो 100 एपिसोड वाला सीरीज़ जो है मैंने कंप्लीट नहीं किया था, वहाँ पे मैंने बोला था 100 एपिसोड करूँगा, पर एपिसोड 69 या फिर 68 में शायद मैंने पूरा का पूरा जो सीरीज़ है उसको एंड कर दिया था। तो इसलिए मैं सोच रहा था कि उसको मैं
फिर से जो है ऑन द गो रन कर दूँ, पर तुम लोगों ने कहा कि नहीं भाई तुम लोगों को नहीं चाहिए वो सीरीज़, तो अभी जो है तुम लोग खुद ही बताओ मैं क्या करूँ। तो सिंपली अगर तुम लोग बोलोगे तो मैं टेम्पररी कोई सीरीज़ जो है स्टार्ट कर सकता हूँ, पर मैं रिकमेंड करूँगा वैसा ना करने को, क्योंकि एक सीरीज़ जो है लंबा ना चले तो वो मज़ा नहीं आता है। और दूसरा जो ऑप्शन है वो है ऐसे ही, जैसे कि मैं अभी दो जो है दो अलग अलग पेयर में जो है वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, एक हो रहा है स्टैंडर्ड मोड पर वाला वीडियो और दूसरा हो रहा है नॉर्मल जो है ये जावा एडिशन इन मोबाइल जो है उसका वीडियो। ये दोनों जो है ऐसे ही अब मैं अपलोड करते रहूँ, स्टैंडर्ड मोड पैक अगर ख़त्म हो जाए तो वहाँ पे कोई और मोड पैक जो है स्टार्ट कर दूँ, नॉर्मल सीरीज़ जो है स्टार्ट ना करूँ। अभी तुम लोगों के सामने दो ऑप्शन है, और तीसरा जो ऑप्शन है वो मेरे रिसेंटली कमेंट में मुझे किसी ने बताया कि मैं थंडर SMP जो है फिर से ज्वाइन कर लूँ। तो ये इस बात में मैं बताना चाहता हूँ कि थंडर SMP में ऑलरेडी हूँ मैं, जी हाँ मैं मेंबर ही हूँ अभी तक हूँ थंडर SMP का, पर थंडर SMP में उतना ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाता हूँ क्योंकि वाईफाई लेने के बाद मैंने अपने मोबाइल में रिचार्ज करना छोड़ दिया। इसका मतलब जो है मैं घर पे जो है ऑफलाइन ही पूरा का पूरा प्ले करना पड़ता है मुझे, तो इसकी वजह से जो है थंडर SMP में नहीं खेल पाता हूँ, और जितना टाइम मैं वहाँ पे रहता हूँ वो बहुत से ज़्यादा कम है, तो उसकी वजह से जो है थंडर SMP में उतना ज़्यादा टाइम भी नहीं दे पाऊँगा, तो इसलिए उतना ज़्यादा टाइम नहीं थंडर SMP जो है उसका चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा कम है, इतना मैं सीधा तुम लोग बता देता हूँ। तो अभी तुम लोगों के सामने तीन ऑप्शन आ गए हैं, तुम लोग चूज़ करके मुझे कमेंट में बताओ, या फिर वो जो पोस्ट था मैंने वहाँ पे किया था वो वहाँ पे जाके अगर तुम लोग थंडर SMP चूज़ करते हो तो नीचे जाके बोल दो कि थंडर SMP, और अगर ना चाहते हो कि 100 एपिसोड जो है मैं फिर से स्टार्ट कर दूँ मतलब कंटिन्यू करूँ तो वहाँ पे जाके यस बोल देना, या फिर जो नया वाला लॉल इमोजी है वहाँ पे भी दे देना, वो भी यस के तरफ ही काउंट होता है, जो डॉट डॉट है मतलब साइलेंस, जो मतलब तुम कुछ अपना ओपिनियन देना नहीं चाहते उसमें भी क्लिक मत करना, ना पे भी क्लिक मत करना, ये दोनों मत करना। तो ये हो गया तीन चीज़ें, और अभी जो और लास्ट जो ऑप्शन है वो भी तुम लोग जो है चूज़ कर सकते हो, उसके लिए भी तुम लोगों को जो है कमेंट में मुझे बताना पड़ेगा। तो ठीक है अभी ये सिंपल सा जो है चीज़ें है, और अभी मैंने तुम लोग देख सकते हो कि मैंने जो है रेंडर डिस्टेंस जो है अपना जो है वो जावा लॉन्चर इन मोबाइल का जो रेंडर डिस्टेंस उसको मैंने 16 कर दिया है, जो कि मेरे मोबाइल में मैक्सिमम सपोर्ट है, उसके बावजूद भी मुझे अभी तक एक भी सीप नहीं मिला। कुछ पीक मीक मुझे रास्ते में दिखा था पर वही बहुत है, उसके बाद सीप मीप कुछ दिखा ही नहीं, तो कोई नहीं, तो थोड़ा बहुत और ढूंढ लेता हूँ। और सबसे बड़ा एक और न्यूज़ है वो ये है कि पोजावा लॉन्चर जो है प्ले स्टोर में अवेलेबल हो चुका है, जी हाँ पोजावा लॉन्चर प्ले स्टोर में अवेलेबल हो चुका है, मतलब तुम लोग जो है अभी बिना कोई झमेला किए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक लिए बिना ही तुम लोग प्ले स्टोर में सीधा जाके सर्च कर सकते हो पोजावा लॉन्चर, और तुम लोगों जो है मिल जाएगा पोजावा लॉन्चर, वहाँ से तुम लोग डाउनलोड कर ले सकते हो, और डाउनलोड करके जो है अपने मोबाइल में तुम लोग जावा एडिशन खेल सकते हो। मिनिमम रिक्वायरमेंट है 1 GB रैम और 5.0 लॉलीपॉप जो है एंड्रॉयड वर्शन, जिसमें तुम लोग 1.12 तक खेल सकते हो, और उसके बाद जो है अगर तुम लोग एकदम स्मूथ गेम प्ले चाहते हो तो उसमें चाहिए होगा तुम लोगों को मिनिमम 4 GB रैम और एंड्रॉयड 9 का वर्शन, एंड्रॉयड 9 मतलब जो रिसेंट अपडेट है एंड्रॉयड का उसके पहले वाला वर्शन, वो वाला वर्शन होना चाहिए तुम लोगों को, तो तुम लोगों का जो गेम है वो बिल्कुल स्मूथ चलेगा, एकदम मक्खन जैसा चलेगा। मेरा जहाँ यहाँ पे लैग दिख रहा है ना, ये लैग तक तुम लोगों का नहीं होगा अगर 4 GB रैम होगा। तो बस यही बताना था, तो ये वीडियो जो है इसीलिए मैंने बनाया, और उसके बाद तो नेदर में जाके मैं मर ही गया, तो ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ा, तो ये सिंपली पुराना वीडियो से ही काम चला ले रहा हूँ इस एपिसोड को। कोई नहीं, इसके बाद भी जो है नॉनस्टॉप ऐसे एपिसोड जो है लाता रहूँगा मैं, तो इसका जो एपिसोड का जो गैप है वो मेकअप हो जाएगा, तो तुम लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो ठीक है, तुम लोगों को पता चल गया अभी तो कैसे मैंने जो है ये काम किया, ये चमत्कार कैसे किया, मतलब जो बेड है वो बिना बनाए कैसे वहाँ पे आ गया, वो बस वो वीडियो के एडिटिंग के टाइम पे थोड़ा सा इधर उधर कर दिया तो तुम लोगों को लगा कि मैंने वहाँ पे बेड बनाया नहीं, पर असल में मैंने वहाँ पे बेड बनाया था। तो बस यही हुआ था, यही सब कुछ हुआ था। तो ठीक है, अभी जो है 3rd person करने का टाइम आ चुका है, तो भाई वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना अपने दोस्तों को या शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, और जो सब्सक्राइब बटन है उसके बगल में जो घंटी बटन है उसको भी दबाना बिल्कुल भी मत भूलना। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ तुम लोगों से अगले न्यू गेमिंग एपिसोड में, और तुम लोग जो है अपना फैसला जो है कमेंट में नीचे मुझे ज़रूर बताना, इससे मुझे पता चल जाएगा कि तुम लोग क्या चाहते हो। तो तब तक के लिए गुड बाय।